जिस दिन इन्होंने जो है रामचंद्र जी का उद्घाटन किया था, उसी दिन हमने कहा था हर दम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, भगवान इनको शराब दे रहे हैं कि ये चुनाव हार जाएंगे बुरी तरह। अच्छा, अयोध्या में हारे चुनाव नहीं हारे हमको बताओ, अधूरा राम मंदिर का उद्घाटन किया है इस वजह से हारे, भगवान के साथ छल किए हैं। अच्छा, ये अपना फोटो दे करके भगवान का फोटो बनवाए हैं, अपने बचपन का फोटो दे करके। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार इनको हराया है अयोध्या में, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर ये लोग पैसा उगाही किए, चंदा खाए, चोरी किए, तो इसलिए जो है जनता और श्री रामचंद्र जी ने इनको शराब दे दिया। हम भी शराब दे दिए थे कि ये 200 साल बाद आएंगे अब और अयोध्या की सीट हार रहे हैं बुरी तरह। हारे कि नहीं हारे, श्री रामचंद्र जी की सीट हारे कि नहीं हारे, जब तो ये आपने शराब दिया था इस वजह से हारे ये। मैं शराब इनको दे दिया हूँ, 200 साल नहीं आएंगे अभी। ये भी देखना, ये तो जा रहे हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। अरे वो तो कह रहे कि हमारी सरकार बननी है, इंडिया बहुमत में है भाई। 200 साल अब इनका पता नहीं लगेगा ये कहाँ गए। अभी भी कह रहे की इंडिया की सरकार बननी, बहुमत में है हम। कैसे बहुमत में है बताओ, जो इनके 295-296 सीटें आ रही है, 35 सीटों का गठबंधन है, गठबंधन हमारे कांग्रेस में आ रहा है। अच्छा। आप क्या कहा सरकार बना रहे हो हमको बताओ ना। आप पीडीपी और नीतीश कुमार सरकार आ रहे हैं सब, जो और गठबंधन है 37 वो भी आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, हमारी सरकार बनने जा रही है, घोषणा हो जाएगा 9 बजे रात में। अच्छा, इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल 100% बनने जा रही है। रांगा बिल्ला जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, हमें शाम होते जेल जाएंगे, 100% इसको लिख लो। जितना इन्होंने कोरोना घोटाला किया, जितना इन्होंने जनता को जो है पॉइजन का इंजेक्शन लगवाया कोरोना में, ये सब जनता बदला ले ली है, इनको जो है जेल भेजवाने काम होगा। लेकिन आप बड़ी बात करो कि अयोध्या वाले में आपने शराब दिया था इसलिए भाजपा हार गई। मैं पूरे भारत में शराब दिया था कि इनकी सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मैं अपना जनियो भी बदलूंगा, अभी हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, जनियो बदलूंगा मैं। अच्छा, ये 200 साल अब आने वाले नहीं है, इनको कोई पूछेगा नहीं। वो बता रहे की शराब दे के गए, 200 साल भाजपा नहीं आएगी। आप बताए गमछा वमछा डाल के आए थे, क्या लग रहा था, उम्मीदें थी रिजल्ट आएगा? देखिए उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। देखिए भाजपा के साथ जो उठल्लू के चूल्हा लोग लगे हैं, अनपुरिया, राजभर, इन्होंने भाजपा की नैया डुबो दी। अच्छा, राजभर ने भाजपा की नैया डुबोई, भाजपा तो इसलिए ली थी कि नैया पार करेंगे राजभर, अनपुरिया पार करेंगे। 2019 में उनको उनकी सीटें आई थी, बता रहे जैन चौधरी, अनपुरिया को हटा दीजिए किनारे, और राजभर इतने बड़े मनहूस है, जिस पार्टी में गए उस पार्टी की नैया डूब गई। अच्छा, और भाजपा अगर अभी निकाल दे इनको अभी तत्काल, अभी देख लीजिए सीट कुछ सही आ जाएगी। राजभर को निकाल दे तो सीटें कुछ बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अभी क्या बात कर रहे हो भाई, बता रहे आपको, मनहूस बता दिया। बहुत बड़ा मनहूस राजभर, उसकी शकल को देख के नहीं लगता आपको? शकल आप देख लो जी, आप 10 दिन आपको खाना नहीं मिलेगा। अच्छा, 10 दिन खाना नहीं मिलेगा। आप दोनों बता रहे हो कि मनहूस है, आरएलडी वाले जैन चौधरी को राजभर मनहूस है, भाजपा अभी निकाल देगी अभी जीत जाएगी। आरएलडी ने जो है 2022 में गठबंधन किससे किया था, सपा किया था, सपा को वोट दिया, आरएलडी नहीं दिया। ये लोग दोगले हैं जैन चौधरी, वो कहते हैं भाई हम जिधर जाएंगे उधर वोट मत देना। अच्छा, हाँ, अच्छा, उन्होंने कहते हैं सारी बिल्कुल भाजपा अयोध्या भी हार गए, क्या कहेंगे आप? ये बड़ बोले की वजह से, कुछ बड़ बोले जैसे भाजपा में है, जैसे केशव जी हैं, इनके बड़ बोल से, अनपुरिया पटेल की वजह से, राजभर के वजह से, तो पूरी भाजपा अगर अब की 27 में रह गए तो भाजपा जो फिर वही पहले जैसे इतिहास हो जाएगा। अच्छा, 2-3 सीट रहेगी बस। अच्छा, राजभर रह गए बिल्कुल, राजभर को अभी निकाल दे अभी तक। लोग कह रहे हैं कि जनता इस बार चुनाव लड़ रही थी, जनता ने वोट किया, आप राजभर पे आरोप लगा दे रहे हो, भाई साहब बताओ राजभर पे आरोप लगा दिए अभी। भैया उन्होंने बात सही कही है कि मंगरू चाचा की शकल देख के साला कुत्ता उल्टी कर देता है, तो बहुत बड़ी बात कही। 10 दिन क्या होगा, हो सके फांके पड़ जाए घर में, अकेले को नहीं घर के फांके पड़ जाए, तो बात तो वो सही बोले। और बात रही अयोध्या की, तो भैया ये कहते थे हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, तो हम ये कह रहे हैं कि ये राम को भगाए थे, राम इन्हें भगाए गए। अच्छा, हाँ, तो भगा दिया है अयोध्या से। अच्छा, देखो वहाँ आपने जहाँ पे अधूरा प्राण प्रतिष्ठान किया है, जहाँ पे फैसला हुआ वहां से आपने 100 मीटर दूर पे आपने मंदिर बनाया, तो भगवान राम का तो श्राप लगना ही लगना था। वहाँ के बेरोजगार लोगों को, जिनका घर बना हुआ था उनका घर तोड़ के आप सुंदरीकरण कर रहे थे, तो वहाँ की जनता तो त्रस्त थी ना, इसीलिए जवाब दी ना कि देखिए जो सरकार है वो सिर्फ नाम और धर्म से नहीं चलती है, उसको रोजगार चाहिए और खुद के लिए आवास चाहिए। जो उन्होंने अपने मुद्दों पे वोट किया भैया, जाहिर से आपने इतना बड़ा भव्य विशाल मंदिर आप बताते थे, पूरे विश्व का सबसे भव्य विशाल मंदिर बनवाया, पर्यटन वहाँ स्थापित हुआ है, इतने इकोनॉमी बढ़ रही है, उसके बाद भी वहां की जनता को क्या फायदा मिला, इसीलिए हराया है ना। उनकी नीति को जानते थे कि जो भी पैसा आ रहा है ट्रस्ट में और जो भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ अपने चुनाव प्रयोग में ही कर रहे हैं, जनता के विकास के नाम पे ये शून्य थे। भाई साहब आप बताओ भाजपा का जो हाल हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या कारण लगता है आपको?
देखिए भाजपा का जो देख कहा रहे हो, जो भाजपा बता ले दो भैया, जो भाजपा का हार हुई है उत्तर प्रदेश से, कुछ अंदर से संगठन से सरकार तक खामियां था, इसलिए हार हुई। आने वाले समय में चिंता नहीं, मंथन करेंगे। 2027 में भी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत में सरकार बनाएंगे। अच्छा भाई साहब, आपको क्या लगता है क्यों हारी भाजपा यहाँ उत्तर प्रदेश में, हाल क्यों हुआ? महंगाई से, रिक्शा से, सब चीज से हारी। अच्छा, जनता इनका बहुत दिन वोट दिया, 10 साल देते देते परेशान हो गए, जो इनको जनता ने निकाल दिया। जनता ने 10 साल बहुत दिया, मतलब इस बार जनता ने निकाल दिया, परेशान थी जनता, तो अभी परेशान थे क्या? इनकी जो करोड़ों नौकरी कहाँ चली गई, 15 लाख कहाँ चले गए, इसलिए जनता इनको महंगाई बहुत बढ़ गई। तो कुल मिला के भाई साहब आप कुछ कहोगे? नहीं भाई। भाई साहब क्या लगता है आपको, जो हाल हुआ उत्तर प्रदेश में, उम्मीदें थी ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और अभी भी 50-50 मामला चल रहा है। अभी रात में देखिए कि किसकी जीत हासिल होती है। रात में खेला हो भी सकता है या कुछ? साहब ने ये कहा था थोड़ी देर पहले एक न्यूज पे कि यही पार्टी के थे, तो उन्होंने कहा कि अभी देखो कैसे भागते हो, तो कहने का मतलब है कि जनता को प्यार चाहिए, रोजगार चाहिए, और जनता को पास बुलाने की कोशिश करे, भगाने की कोशिश ना करे।